बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है, वहीं लाल डायरी को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने राजस्थान में बीजेपी सरकार की वापसी का दम भरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान अब नहीं सहेगा भ्रष्टाचार और बनेगी बीजेपी की सरकार। महिला उत्पीड़न लगभग अगर हम देखें तो 18 से 19 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, लगभग 7 से 8 मर्डर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम का वो हाल हो गया है और विशेष करके दलित महिलाओं का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि गहलोत सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज इस तरीके की परिस्थिति राजस्थान की खड़ी हो गई, जो शांत प्रिय प्रदेश था, जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, जिसकी एक अपनी संस्कृति है, जिसका एक अपना इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उस धरती पर इस तरीके से महिला सम्मान का के बजाय महिला अपमान हो, यह कभी भी राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है, आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है।